दादी, योर फेवरेट सॉन्ग, इस पे तो नाचना ही पड़ेगा। Who's that girl? How does she know Dadi's favorite song जबकि हमें भी नहीं पता? भैया, that's Meera, my wedding planner. और जानने का मन करे, बीबा. Not bad. मैं मोटी लग रही हूँ क्या? नहीं। बताओ ना, मैं मोटी लग रही हूँ? नहीं लग रही हो यार, तुम भी ना। तुम देख ही नहीं रहे हो। I'm always looking at you only. Oh, who's this pretty girl? Wow. Come here. Looking so beautiful. बिल्कुल मम्मी की तरह, हाँ? क्यों मैं मोटी लग रही हूँ क्या? नहीं बेटा, तुम जैसी हो बहुत सुंदर हो। बिल्कुल मम्मी की तरह, हाँ? अभी तक तैयार नहीं हुई। नीचे सब लोग इंतजार कर रहे हैं। पापा, सिर्फ समोसे खिला के कैसे डिसाइड कर लो कि जिंदगी इसी के साथ बितानी है? जल्दी आना। अरे नहीं, बस बस, आपने पहले ही बहुत खिला दिया। हमें तो आपकी पायल बहुत पसंद आई, तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? जी जरूर, लेकिन हमें भी तो आपके घर आना होगा। मोस्ट वेलकम जी, पर क्यों? हमारी बेटी को भी देखना है कि आपका लड़का घर संभाल सकता है या नहीं, खाना बना सकता है या नहीं, तभी तो हम देंगे अपनी लड़की। इसे तो पानी उबालना भी नहीं आता, बस कभी कभी नूडल्स वगैरह बना लेता है माइक्रोवेव में। माफ कीजिएगा, मेरी बेटी सिर्फ नूडल्स पर जिंदा तो नहीं रह सकती ना। सर, 10 दिन बाद आप हमारे घर पे क्यों नहीं आते? क्यों? सर, तब तक मैं कुछ बनाना सीख लूंगा, फिर आ जाइएगा आप लड़का देखने। हाय मॉम, ये लैपटॉप यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तो आपको कभी लैपटॉप के साथ देखा नहीं। अरे वो बाजू वाली पिंकी है ना, वो मुझे सिखाती रहती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है मॉम,
माँ क्या देखी तो रही थी? अरे देखना तो पड़ेगा ना, वैसे तू तो कुछ करती नहीं है। तुम्हारे पापा भी तो नहीं रहे मेरे जाने के बाद, ऐसे देखने से सच्चाई तो नहीं बदलती ना। तुझे शादी करनी है कि नहीं? करूंगी ना माँ, जब वक्त सही होगा, जब मुझे करनी होगी तो कर लूंगी। आप ही कहती है ना शादी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट काम वक्त लेकर सोच समझ कर ही करना चाहिए ना। तुझसे बातें करके कोई फायदा नहीं, तो मत करो ना, खाना खाओ। इतनी अच्छी दाल बनी माँ। अच्छी लगी? सुपर। ले ले फिर। अरे ये सब क्या लेकर बैठ गई, ये क्या? देख खूबसूरत डिजाइन्स है माँ, पोर्टफोलियो बना रही हूँ, इंटरनेट पे डालेंगे ना करियर बन जाएगा आपका। मेरा करियर? और ये सुमर में? तो पागल हो गई है तू, अब इस सब की क्या जरूरत है? बात जरूरत की नहीं है माँ, बात एम्बिशंस की है। आपने लाइफ में अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, नाउ इज द टाइम, लेट द वर्ल्ड नो हाउ टैलेंटेड यू आर माँ। बहुत अच्छा लगता है पता है, अपने दम पर कुछ करने का मजा ही अलग है। और आप जो ये अकेलेपन की बात करते हैं ना, उसके लिए तो टाइम ही नहीं रहेगा आपके पास, देखना। इतना क्या सोच रही हैं? वो मैं सोच रही थी कि अगर मैं इन सब बातों में उलझ गई तो तेरे लिए लड़का कौन ढूंढेगा? कौन माँ? Kiss me, close your eyes and miss me, close your eyes, love me, zara zara dil bhi pighal gaya main bhi.